अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऑल न्यूज़ ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया कॉन्फ्रेंस सामने आ गई और शाह महमूद का पाकिस्तान एयर डिफेंस के हवाले बड़ा बयान। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप दुनिया की हर खबर से आगाह रह सकें और हमारे हर आने वाली नई खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी का अरब अमारात के हवाले से बड़ा बयान सामने आ गया। भारत पाकिस्तान से जंग जीतने के लिए जोरों शोर से तैयारियों में मगन है। भारत की इन तैयारियों को मद्देनजर रख के पाकिस्तान ने भी बड़ा फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 2021 में पाकिस्तान भी एकेडमी मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। भारत ने जंग के हवाले से बड़ी मनसूबाबंदी कर रखी है। आज की वीडियो यकीनन भारतीयों पे बिजली बन के गिरेगी और पाक डिफेंस लवर्स के लिए बायस से फख्र होगी। दोस्तों, भारत ने रूस से S-400 डिफेंस खरीदने का ऐलान किया था और भारत ने रूस से बाकायदा इसका मुआहदा कर रखा है। रूस के मुताबिक वो इस डिफेंस की फ्राहमी 2021 में यकीनी बनाएगा। रूस और भारत के मुताबिक वो इस निज़ाम को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि वो इस निज़ाम का तोड़ निकाल चुके हैं और अबाबिल निज़ाम के जदीद त्यारे अबाबिल 2 का तजर्बा 2021 में करेंगे। ये मिसाइल एक साथ 8 वार हेड ले जा सकता है और भारतीय S-400 को बआसानी चकमा दे सकता है और भारतीयों को शिकस्त से 2-4 कर सकता है। नाज़रीन, आज की अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगेबान।